नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है ये कैसे जानना है, या फिर आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है ये कैसे जानना है, इसके लिए हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं और बहुत विस्तार से उसमें हम बता चुके हैं कि आपको अपना नक्षत्र कैसे पता चलेगा। उस वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का फल क्या होगा इसी विषय पर। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण में एक एक करके विस्तार पूर्वक शुक्र के फल की चर्चा करेंगे। आइए हम देख लेते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति छोटी आँखों वाला होता है। इन लोगों की आँखें सामान्य से थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन इनकी आँखें बहुत डरावनी होती हैं। यदि इनकी आँखों को कोई व्यक्ति देख ले तो उसको ऐसा लगेगा कि ये बहुत गुस्से में हैं, और ये लोग यदि भौं टेढ़ी करके किसी को देख लें तो वो व्यक्ति डर जाएगा। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं, समाज के लोग इनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज में इनका डर भी बहुत ज़्यादा होता है, और समाज के लोग केवल डर के कारण ही इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये लोग किसी न किसी बड़े पद पर बैठ जाते हैं, या फिर समाज के बड़े लोगों से या फिर समाज के धनवान लोगों से, पावरफुल लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। इसी कारण से समाज के लोग इनसे डरते हैं और डर के कारण ही इनका सम्मान करते हैं। असलियत में इनका सम्मान, इनकी इज्जत कोई नहीं करता। सभी लोग केवल और केवल डर के कारण या फिर स्वार्थ के कारण इनकी इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, बाकी पीठ पीछे सभी लोग गाली देते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होगा। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा राजसी जीवन जीने में इनकी रुचि होती है। यदि कहीं पर जाना है तो वहाँ पर ये ट्रेन में स्लीपर क्लास में बैठ करके भी जा सकते हैं, लेकिन ये लोग भले ही ज़्यादा पैसा लग जाए लेकिन जाएंगे एसी में बैठ करके या फिर फ्लाइट में बैठ करके जाएंगे। भले ही इनके पास में उतना पैसा ना हो, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि बहुत बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छा काम करें, और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं। दुनिया के सारे सुख हम ही को मिल जाएं ऐसी मन में इच्छा रखने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी करते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी लग जाती है जिसको ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, हम जब कहते हैं कि नशा करेंगे तो लोग सोचते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या फिर तम्बाकू या दारू वगैरह पियेंगे, लेकिन नशा का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। नशा का मतलब एक दूसरा ये भी होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी आदत लग गई है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई बार अति कामुकता की भी आदत लग जाती है और उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, या फिर किसी और तरह की कोई ना कोई आदत लग जाए और उसको आप छोड़ना चाहें और छोड़ ना पाएं, वही नशा है। इन लोगों को भी कोई ना कोई ऐसी आदत होती है। ये लोग योगा वगैरह में या फिर ध्यान मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं, और विशेषकर इन लोगों को ध्यान की एक विधि होती है जिसका नाम है त्राटक। इन लोगों को त्राटक में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। त्राटक एक क्रिया होती है जिसमें आँखों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित किया जा सकता है, तो वही सम्मोहन की विद्या में इनका बहुत ज़्यादा मन लगता है। ये लोग बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन
ये लोग हमेशा अपनी बुद्धि का कोई ना कोई गलत काम में उपयोग करने वाले होते हैं। यदि ये लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो फिर ये समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को नीचे गिराने में, किसी की टांग खींचने में, या फिर किसी न किसी को परेशान करने में, अथवा अपने अहंकार की पुष्टि करने में बुद्धि का उपयोग करते हैं। हमेशा गलत काम में लगे रहते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हों, तो फिर ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला होता है। इनके वैवाहिक जीवन में फिर खूब उठापटक बनी रहती है और कभी कभी तो इनका वैवाहिक जीवन खराब ही हो जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है, टूट जाता है। और जब अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो फिर मानसिक अनुरूपता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कई बार ये लोग अपने जीवन साथी के साथ में ही एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से रहते हैं कि जैसे तलाक हो चुका हो, मतलब अपने जीवन साथी से कोई मतलब ही नहीं है और इनके जीवन साथी को भी इनसे कोई मतलब नहीं होता है। धीरे धीरे वो वैसा हो जाता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब शुक्र चंद्रमा के साथ में बैठे हों। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करिए और हमेशा दूसरों को परेशान करने की बुद्धि को त्याग दीजिए। अच्छे कामों में अपना मन लगाइए और दुर्गा जी की उपासना करिए। आपको जरूर लाभ होगा, आप प्रसिद्ध होंगे। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा गलत कामों में करते हैं, अच्छे कामों में बुद्धि नहीं लगाते। यदि ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कामों में करें तो फिर ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बहुत धनवान बनते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता ही ऐसी होती है कि ये लोग हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी न किसी को नीचे गिराने में, किसी की टांग खींचने में, या फिर किसी को धोखा देने में, या फिर किसी को फालतू में अकारण परेशान करने में करते रहते हैं। और इसी कारण से ये लोग जीवन भर परेशान रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि तभी परेशान रहेंगे जब ये अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कामों में करेंगे। यदि अच्छे कामों में करेंगे तो फिर ये परेशान नहीं भी रहेंगे। इन लोगों को पैसे से संबंधित परेशानी होती है। कई बार इनको पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी इनका पैसा बच नहीं पाता है। ये लोग थोड़े अकर्मण्य स्वभाव के भी होते हैं, आलसी होते हैं और मूढ़ी स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ये लोग कोई कोई काम को बहुत ज़्यादा टालते रहते हैं कि हाँ ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, इस तरह सोचते रहते हैं। और कभी कभी यदि मन में आ जाए तो फिर तुरंत ही काम करने के लिए बैठ जाते हैं। कभी कभी तो 15-15 दिन काम को टाल देते हैं और कभी कभी यदि मन में आ जाए, मूड में आ जाए, तो फिर सवेरे ही सवेरे काम करने के लिए निकल जाते हैं कि आज तो ये काम पूरा करके ही लौटेंगे, या फिर रात में मन आ जाए तो रात में ही बैठ जाएंगे काम लेके कि आज काम करके ही सोएंगे। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं और जल्दबाज स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए और कई बार जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होगा। ये लोग दूनी स्वभाव के होते हैं, चतुर होते हैं, दूनी स्वभाव के। दूनी स्वभाव का मतलब है कि व्यर्थ में ही, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फालतू में बैठे बैठे दूसरों को परेशान करने की आदत होती है और दूसरों को परेशान करके इन लोगों को अच्छा लगता है। यदि ये लोग किसी बड़े पद पर बैठ जाएं, जहां से ये लोग अपना हुक्म चला सकें, तो फिर ये लोग दूसरों के दंड में
परिवर्तन करने वाले होते हैं। दंड में परिवर्तन करने का मतलब है कि यदि ये कोई शासन प्रशासन के वरिष्ठ पद पर बैठ गए तो फिर इनके नीचे जो लोग होते हैं उनके काम में हमेशा परिवर्तन करते हैं, बदलते रहते हैं। और यदि किसी को कोई पनिशमेंट देना हो तो फिर ये एक पनिशमेंट देते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर जब वो कर लेता है तो फिर दूसरी पनिशमेंट दे देते हैं। इस तरह से ये लोग परिवर्तन करते रहते हैं। इन लोगों के अपने माता पिता से मतभेद होते हैं, लेकिन ये लोग अपने माता पिता को हमेशा अपने वश में रखने की कोशिश करते रहते हैं, उनको हमेशा सम्मोहित करने की, अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कोशिश करते रहते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र दूसरे चरण में बैठे हैं अश्लेषा नक्षत्र के, तो फिर आप सबसे पहले तो आप बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का सही उपयोग करिए, फालतू के कामों को छोड़ दीजिए और दूसरों को नीचे गिराना या फिर दूसरों से जलना ये बंद कर दीजिए। और साथ ही दुर्गा जी की उपासना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा गलत कामों में करने वाले होते हैं। दूसरों को नीचे खींचना, दूसरों की टांग खींचना, या फिर दूसरों को धोखा देना, या फिर किसी के खिलाफ षड्यंत्र बनाना, इन्हीं सब चीज़ों में ये अपनी बुद्धि लगाते हैं। अच्छे कामों में अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, गलत कामों में बुद्धि लगाते हैं। इसी कारण से ये लोग परेशान रहते हैं और जीवन भर इनके दुख खत्म नहीं होते, क्योंकि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ पंचायत लगाए ही रहते हैं, कोई ना कोई फालतू के झंझट में फंसे ही रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कामों में करेंगे तो फिर इनके जीवन के सारे झंझट खत्म भी हो जाएंगे, इनके जीवन के सारी समस्याएं खत्म भी हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि इनके जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं। ये लोग फालतू में दूसरों के फटे में टांग अड़ाने जाते हैं और व्यर्थ में ही दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग दूनी स्वभाव के होते हैं। दूनी का मतलब है कि अकारण दूसरों को परेशान करके मजा लेने वाले होते हैं, दूसरों को परेशानी में डाल करके, दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके इनको अच्छा लगता है। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और कई बार गुस्सा में आकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये लोग जल्दबाज स्वभाव के भी होते हैं, कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए और कभी कभी जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये लोग आलसी स्वभाव के भी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, कोई भी काम है तो उसको सोचेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह से काम को टालते रहते हैं। यदि कोई फॉर्म भरना है तो एकदम लास्ट डेट में जाकर के फॉर्म भरेंगे। यदि कहीं पर जाना है तो 5 दिन पहले से ही प्लान बना है, लेकिन बैग बनाएंगे तो एकदम रात में ही, अब कल जाना तो आज ही रात में बैग जमा रहे हैं, इस तरह के स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई काम में ये लोग बहुत जल्दी भी दिखाते हैं, जैसे यदि मूड में आ गया तो फिर ये लोग रात में ही काम लेकर के बैठ जाएंगे कि अब तो हम काम करके ही सोएंगे, और नहीं तो फिर एक एक सप्ताह छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। ये लोग अपने माता पिता से मतभेद करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को अपने बस में रखने की कोशिश भी करते रहते हैं और अपने माता पिता को खुश करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं कि जिससे ये हमारे बस में हो जाएं, हमारे पक्ष में हो जाएं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगी और यदि पुरुष हैं तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होगा। और यदि कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं और शुक्र चंद्रमा के साथ में बैठे हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी उम्र से ही कामुक विचारों को सोचने वाला होता है। कई बार ऐसे लोग 12-13 वर्ष की उम्र से ही कामुकता को सोचने लगते हैं, अति कामुक हो जाते हैं।
इनको गलत तरह के दृश्य देखने की आदत पड़ जाती है, और या तो फिर ये अपने स्कूल कॉलेज में इनकी इस तरह की संगत हो जाती है कि जहाँ पर इनको इसी तरह के विचार दिए जाते हैं। और ये लोग 16 वर्ष की उम्र से पहले ही यौन संबंध बना लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं बहुत छोटी उम्र में। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और शुक्र चंद्रमा के साथ में बैठे हों, यानी कि चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, विद्वान और चतुर स्वभाव का होता है। ऐसे लोग अपना काम बनाने में माहिर होते हैं, किसी भी तरह से, कूटनीति से, राजनीति से अपना काम बना ही लेते हैं, और ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। कई बार समाज के बहुत धनवान लोगों से या फिर समाज के पावरफुल लोगों से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग खुद भी कोई ना कोई बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं। ये लोग यदि राजनीति में जाते हैं तो फिर ये कोई ना कोई मंत्री के पद को प्राप्त करते हैं, अथवा ये लोग शासन प्रशासन में कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग सरकार में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, समाज में बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, और राजनीति में बहुत वांछित व्यक्ति होते हैं। वांछित व्यक्ति का मतलब है कि राजनीतिज्ञ लोग, सरकार के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं या फिर शासन प्रशासन में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इनको बहुत चाहते हैं कि ये हमारी तरफ रहें, हमारी तरफ रहें। कई बार समाज में इनका बड़ा रुतबा होता है, इस कारण से भी सभी लोग इनको अपनी तरफ रखना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं, और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति, और यदि पुरुष हैं तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगा। और अति कामी होते हैं, इसी कारण से इन लोगों के शारीरिक संबंध बहुत सारे लोगों से बनते हैं। बहुत सारे का मतलब है कि 10-12-15 लोगों से बनते हैं, और अपने जीवन साथी के अलावा भी इनके बहुत सारे संबंध रहते हैं। इसी कारण से कई बार इन लोगों को बीच बीच में कोई ना कोई झंझट का सामना करना पड़ता है। जैसे अपने जीवन साथी से संबंध तो हैं, अन्य लोगों से भी संबंध बनेंगे तो घर में ही मतभेद शुरू हो जाते हैं, या फिर कई बार सामाजिक रूप से अपमान भी होता है। लोगों को पता चल जाता है कि अरे इनका तो उनसे संबंध है, इनका तो उनसे संबंध है, इस कारण से इनका समाज में थोड़ा अपमान भी होता रहता है। ये लोग बड़े सम्मानित होते हैं समाज में, लेकिन इनका सम्मान कोई भी व्यक्ति असलियत में नहीं करता है। सभी लोग इनसे डर करके इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़े पावरफुल होते हैं या फिर कोई बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं, इसी कारण से समाज के लोग इनसे डरते हैं और डर करके इनका सम्मान करते हैं। बाकी पीठ पीछे तो सभी लोग इनको गाली देते हैं, पीठ पीछे इनकी सभी लोग बुराई करते हैं, लेकिन सामने आकर के स्पष्ट इनके मुँह पर इनके विषय में कुछ बुरा कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। ये लोग छोटी आँखों वाले होते हैं, इनकी आँखें सामान्य से थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये लोग बहुत खौफनाक आँखों वाले होते हैं। इनकी आँखें बड़ी भयानक होती हैं। इनकी आँखों को यदि आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़े क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, हमेशा इनकी आँखें ऐसी लगती हैं। और यदि ये लोग गुस्से में किसी की तरफ देख लें तो वो व्यक्ति डर भी जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये कुछ कर देगा अभी। तो इनका चेहरा भी वैसा ही होता है और इनका स्वभाव भी वैसा ही होता है, इसी कारण से समाज के लोग डर करके इनका सम्मान करते हैं। ये लोग महाकामी प्रवृत्ति के होते हैं, विलासी होते हैं, बहुत अति महत्वाकांक्षी होते हैं। एक जगह से धन कमाने के बाद दूसरी जगह से धन कमाने के जुगत में लग जाते हैं, और दुनिया के सारे सुख हम ही को मिल जाएं ऐसी मन में इच्छा रखने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी कर सकते हैं। कई बार ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा नशा कर लेते हैं जिसको ये लोग बहुत छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं।
और नशा करने का दूसरा अर्थ ये भी है कि कोई ना कोई आदत आपको ऐसी लग जाए जिस आदत को आप लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ ना पाएँ, ये भी एक तरह का नशा ही है। तो जब हम नशा करने का कहते हैं तो आप ये मत समझिए कि पान बीड़ी गुटखा मसाला या फिर दारू वगैरह ही पिएगा तभी नशा होगा। कोई ना कोई यदि आपको गलत आदत लग गई और उस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं तो ये भी एक नशा ही है। तो इनके साथ में ही ऐसा ही होता है, ये लोग कोई ना कोई गलत आदत होती है उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार अति कामुकता की आदत इनको लग जाती, वो भी एक नशा ही है। लेकिन ये लोग कितने भी कामुक हों, कितने भी व्यसनी हों, लेकिन फिर भी ये लोग योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। और मेडिटेशन में भी एक क्रिया होती है जिसका नाम है त्राटक, वो इनको बहुत पसंद होता है। त्राटक एक क्रिया होती है जिसमें आप आँखों से सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं, ऐसी शक्ति आपकी आँखों में आ जाती है। या फिर आप आँखों में आँखें डाल के किसी को कुछ कह दें तो वो मना नहीं कर पाएगा, ऐसी एक आकर्षण बन जाता है आपके और उसके बीच में, ये त्राटक क्रिया से होता है। तो इन लोगों के मन में भी त्राटक के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होती है, ये लोग त्राटक को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं, या नहीं भी करते हैं तो त्राटक के विषय में पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20-25 साल की उम्र में ही हो जाए ये चीज़ें, पूरा जीवन है कभी ना कभी ऐसा होता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र चौथे चरण में बैठे हैं तो आप सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करिए और समाज को बहुत दबा करके रखने की कोशिश मत करिए, या फिर अपने घर परिवार के लोगों को भी बहुत दबा करके रखने की कोशिश मत करिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आपका सम्मान करता है तो वो पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेगा, खौफ के कारण यदि सम्मान करेगा तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और दुर्गा जी की उपासना करिए, अति कामुकता को भी छोड़ दीजिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।